रेवाड़ी महेंद्रगढ़ मार्ग पर सड़क हादसा हुआ है। सिया गांव के पास श्रद्धालुओं से भरी बस पेड़ से जा टकराई। हादसे में 17 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। चालक को नींद आने के कारण यह हादसा हुआ। अलीगढ़ से गुंगा मेडी जा रही थी श्रद्धालुओं से भरी ये गाड़ी। सभी घायलों को रेवाड़ी के ट्रॉमा सेंटर और निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। यमुनानगर में शादी के समय अपने घर के आगे पटाखे बजाने से मना करना एक व्यक्ति को इतना महंगा पड़ गया कि पटाखे बजा रहे लड़के ने उसे 2 थप्पड़ जड़ दिए, जिसकी शिकायत उसने पुलिस को दी, लेकिन बाद में उनका समझौता हो गया। इसके अगले दिन आरोपी लड़का फिर अपने दोस्तों के साथ आया और व्यक्ति के घर के बाहर पाकिस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाने लगा, लेकिन लोगों के इकट्ठा होने के बाद वो वहां से फरार हो गया, जिसके बाद गुस्साई भीड़ ने गांधीनगर चौकी का घेराव कर कार्रवाई की मांग की है। गोहाना में स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियों को लेकर देवीलाल स्टेडियम में फुल ड्रेस रिहर्सल करवाई गई। गोहाना के एसडीएम सुनीता ढाका ने मौके पर पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया। स्टेडियम में एसडीएम को कई खामियां मिली, जिसके चलते उन्होंने अधिकारियों को फटकार लगाते हुए स्टेडियम की खामियों को जल्द दूर करने के आदेश दिए। वहीं इसके चलते आधा घंटा लेट तिरंगा फहराया गया। टोहाना में शिक्षा ग्रहण करने वाली छात्राओं को प्रदेश सरकार की तरफ से मनोहर सौगात मिली है। अब 150 किलोमीटर तक फ्री बस सुविधा का लाभ छात्राएं उठा सकेंगी। टोहाना से प्रदेश की 5 बड़ी यूनिवर्सिटी तक फ्री सफर कर पाएंगी छात्राएं। प्रदेश सरकार ने प्रदेश के सभी डिपो में तुरंत प्रभाव से आदेश लागू करने के निर्देश दे दिए हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने फरीदाबाद में स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में रखे कवि सम्मेलन में शिरकत की। वहीं इस मौके पर उन्होंने प्रदेशवासियों को आने वाले स्वतंत्रता दिवस की बधाई भी दी। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने इस मौके पर चाइना और पाकिस्तान पर भी हमला बोला। इस मौके पर खट्टर ने देश के उन स्वतंत्रता सेनानियों और अमर शहीदों को भी याद किया, जिनकी बदौलत आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। कुरुक्षेत्र में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है। 4 युवक और 3 लड़कियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गुरुग्राम पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 2 इनामी बदमाशों को गिरफ्तार किया है। दोनों ही आरोपियों पर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस ने इन्हें लजर वैली पार्क के पास किसी लूट की वारदात को अंजाम देने की योजना बनाते हुए गिरफ्तार किया है।